Attention of passengers. Train number 12168. From Banaras to Bhopal, Banaras to Bhopal Express. तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति ये मानती है कि बनारस भारत का सबसे पुराना शहर है और भारतीय संस्कृति के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं ही बनारस की स्थापना की थी। तो इस शहर में कदम रखते ही आप कुछ ऐसा ही फील करेंगे जैसा इस वक्त मैं फील कर पा रही हूँ, और वो है शांति और सुकून। तो बनारस में अपने डे वन की स्टार्टिंग करते हुए मैं आपको ले चलती हूँ वर्ल्ड फेमस काशी विश्वनाथ मंदिर। और कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव मंदिर भी ज़रूर से विज़िट करना चाहिए। तो मंदिर जाने के पहले हमें अपना मोबाइल, कैमरा सब रखना पड़ेगा लॉकर में। तो मंदिर का व्यू और आगे के रास्ते का सीन जो है वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। मंदिर दर्शन करने के बाद अभी टाइम हो रहा है 4 PM और अब हम कुछ खा लेते हैं पहले। तो इस वक्त मैं हूँ गुदोलिया चौक से दशाश्वमेध घाट के रास्ते में। और एक चीज़ है दोस्तों जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जिसे मैं शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूँगी, और वो है बनारस की वर्ल्ड फेमस गंगा आरती। बहुत एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। अगर आप बनारस आ रहे हैं सो यू कांट मिस द गंगा आरती। तो चलिए अब हम इस खूबसूरत नज़ारे के साथ गंगा आरती इंजॉय करते हैं। अगर आपको आरती एंजॉय करनी है, अगर आपको आरती देखनी है पूरी अच्छे से, तो आपको 1 घंटे पहले आना पड़ेगा। तो आरती जो शुरू होने का जो टाइमिंग है वो है 6:30 बजे का। तो यहाँ पे पूरी आरती देखने के लिए आपको 1 घंटे पहले यानी कि 5:30 बजे आना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर हूँ दशाश्वमेध घाट में, और अस्सी घाट में भी आरती होती है, लेकिन वहाँ पर क्राउड थोड़ा कम रहता है कंपेरिजन टू दशाश्वमेध घाट। यहाँ पर क्राउड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ की आरती आज एंजॉय करेंगे, और कल शाम को हम लोग जाएंगे 80 घाट, कल हम वहाँ की आरती एंजॉय करेंगे। तो आज देखते हैं यहाँ का व्यू, और मेरे साथ जुड़े रहिए, कल हम देखेंगे 80 घाट की आरती। तो चलिए आज के दिन हम सब इस भव्य आरती के साक्षी बनते हैं। तो इस वक्त शाम के बज रहे हैं करीब 7, और दशाश्वमेध घाट से मैं फिर से गुदोलिया चौक के रास्ते में आ गई हूँ। तो दोस्तों, बनारस के खाने की स्पेशलिटी है यहाँ की फ्रेशनेस और यहाँ का प्यार, जो हर एक इंसान अपने खाने में और लोगों का ख्याल रखने में डाल देता है। यही है बनारस की खासियत। तो अगर आपको बनारस के मैजिक को एक्सपीरियंस करना है, अगर आपको इसको फील करना है, तो उसके लिए आपको स्वयं ही बनारस पधारना पड़ेगा। तो डे 1 की एंडिंग के साथ मैं आपसे यहीं पर विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।